हमारे देश में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं और इसके बाद आर्थिक रिकवरी में भी तेजी देखी गई है। स्थिति में सुधार के असर से देश की ज्यादातर आबादी को अगले एक साल में अपनी आर्थिक सेहत के दुरुस्त होने का विश्वास है। लेकिन अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार महंगाई के कारण इस सुधार का पूरा फायदा इकोनॉमी को मिलना मुश्किल है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान लोगों के खर्च का होता है। जितना ज्यादा लोग खर्च करते हैं उतना ही पैसा सर्कुलेशन के जरिए लोगों के पास पहुंचता है और यही खर्च में बढ़ोतरी सरकार की झोली में भी टैक्स के तौर पर ज्यादा रकम पहुंचाती है। ऐसे में अगर आने वाले साल के लिए सलाहकार कंपनी अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये आर्थिक सेहत के लिहाज से खुशखबरी की तरफ इशारा कर रही है। ENY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज्यादातर ग्राहक अगले एक साल में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर उत्साहित हैं। इस सर्वे से भारतीय ग्राहकों के पॉजिटिव दृष्टिकोण की पुष्टि हो रही है क्योंकि 77% लोगों को अगले एक साल में अपनी वित्तीय स्थिति के बेहतर होने का भरोसा है, जबकि दुनिया के बाकी देशों का औसत 48% है। यानी एक साल में भारतीयों का भरोसा अपनी वित्तीय सेहत में सुधार को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कारोबार जगत को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोग खूब खरीदारी करेंगे, जिससे उनकी और देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में सारे खाद्य पदार्थों या फिर और कोई भी प्रोडक्ट हो, इनके अंदर प्राइस इंक्रीज होना निश्चित है। कंपनीज एक लिमिट तक इन प्राइजेस को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद कंपनीज को इनके प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे और जो कि डायरेक्टली प्राइस इंक्रीज में रिफ्लेक्ट करेगा। आने वाला समय और ज्यादा कठिन भरा हो सकता है और मुझे फिर उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ नई तरीके की सोच निकालेगी, नई कदम लेगी, जिससे कुछ राहत कस्टमर्स तक, अपनी जनता तक जरूर पहुंचाई जा सके। कंज्यूमर वही चीजें परचेज कर रहा है जो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा नीड है। उसके अलावा जो विलासिता के रूप में जो चीज़ें होती है, जैसे हमारे फर्नीचर आते हैं और भी दूसरी चीज़ें, एसी है, फ्रिज है, ये सब चीज़ें विलासिता के अंदर आती है, उसकी परचेजिंग की प्रायोरिटी उन्होंने पीछे कर रखी है और जिसका इफेक्ट हमारी इंडस्ट्री पे भी दिख रहा है। जाहिर है अगर डिमांड बढ़ती है तो फिर कारोबार दौड़ेगा और रोजगार की रफ्तार भी बढ़ेगी, लेकिन इस खुशखबरी पर ग्रहण लगाने की तैयारी में महंगाई भी ताक लगाए बैठी है। महंगाई का डंक भारतीयों के आर्थिक सेहत में हो रहे सुधार का पूरा फायदा अर्थव्यवस्था का न होने देने के लिए कमर कसकर तैयार है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय ग्राहकों ने सामान और सेवाओं की बढ़ती लागत पर चिंता जताई है। सामानों और सेवाओं की बढ़ती लागत ग्राहकों की खरीद क्षमता और फैसलों पर असर डाल रही है। भारत में ये हालात कम इनकम वालों पर सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं, जिनमें से 72% लोग मानते हैं कि महंगाई की वजह से उन्हें गुजर बसर करने में दिक्कत हो रही है। उच्च आय वर्ग के 60% लोग और मध्यम आय वर्ग के 58% ग्राहकों ने भी महंगाई को बड़े मुश्किल करार दिया है। ऐसे में भारत के लिए EY फ्यूचर कंज्यूमर इंडेक्स के नतीजों में कहा गया है कि बढ़ती जीवन लागत के बारे में स्थिति साफ न होने से 80% लोग ज्यादा बचत कर रहे हैं, यानी खर्च घटाकर बचाने की आदत अर्थव्यवस्था की तरक्की की राह में ब्रेकर बन सकती है। आज तक ब्यूरो।